गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे डैशबोर्ड बनाना है या फिर कैसे डेली रिपोर्ट बनाना है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट बनाया है, तो मैं फर्स्ट आपको दिखाता हूं कि आप एक बार प्रिपेयर करने के बाद आपको डैशबोर्ड कैसे दिखेगा। ओके, जैसे कि मैंने क्वालिटी डैशबोर्ड बनाया है, जहाँ पे लिखा है डे वाइज, एसएमई वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, एजेंट वाइज, एम्प्लॉय डेटा एंड रॉ डेटा। ओके, एंड आपको जो है ना, यहाँ पे आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो डे वाइज। नहीं तो आपको जो है ना, सिर्फ ये मेन पेज ओपन करना है। जैसे कि आपको डे वाइज का चाहिए स्कोर, तो आप डे वाइज पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका डे वाइज स्कोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एसएमई या फिर टीम वाइज आपको देखना है, तो एसएमई पे आप क्लिक कर लो, तो आप एसएमई वाइज स्कोर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ हाइपरलिंक मैंने ऐड किया है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप भी जो है ना, इतना अच्छा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। ये तो हुआ क्वालिटी का। इसके अलावा आप जो भी डेली रिपोर्ट्स बना के आपके मैनेजर को या फिर आपकी टीम को आप फॉरवर्ड करते हो, उसको भी जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कैसे बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे पास एक और रिपोर्ट है जो डेली मैं पब्लिश करता हूँ, डेली मैं सेंड करता हूँ मेरे मैनेजर को और जो है ना, मेरी टीम को। जैसे कि डेली नो डिस्पोजिशन रिपोर्ट। ओके, जो भी डिस्पोजिशंस नहीं हो रहे हैं हमारे साइड से, तो उसका एरर का रिपोर्ट मैं डेली भेजता हूं कि आज आपके टीम से इतने लोगों ने डिस्पोज नहीं किया, प्लीज फीडबैक दीजिए। ओके, जैसे कि आप देख सक रहे हो, यहाँ पे भी मैंने जो है हाइपरलिंक ऐड किया है। डे वाइज मेरे को चाहिए नो डिस्पोजिशन रिपोर्ट, तो मैं डे पे क्लिक कर लेता हूँ, तो देख सकते हो ऐसा रिपोर्ट आ चुका है। तो चाहिए तो यहाँ से जो है ना, डेट भी वो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि एक तारीख का ही चाहिए उनको, तो सिर्फ एक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फिल्टर में, ओके कर देंगे, सिर्फ एक का 84 मेंबर्स ने डिस्पोज नहीं किया था। ओके, ऐसे जो है ना, सिंपल से जो है ना, आप डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो इजी से। जैसे कि डे वाइज या फिर एजेंट वाइज, कितने जनों ने पर्टिकुलर डेट में ये नहीं किया था, डिस्पोज नहीं किया था, ऐसा जो है ना, आप इजी से जो है ना, डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, चलो मैं बताता हूं आपको डैशबोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, ज्यादा से ज्यादातर अगर आपको कुछ भी डाउट है एक्सेल के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएफ के रिलेटेड जो है ना, मैंने वीडियो बनाया है कैसे आपको एडवांस पीएफ विड्रॉ करना है, नॉमिनी कैसे ऐड करना है, अगर आपको पीएफ का नंबर नहीं पता है तो कैसा फाइंड करना है, आप वो वीडियो जो है ना, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं फर्स्ट एक नॉर्मल सा जो है ना, रॉ डेटा ले लेता हूँ डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। आप भी आपका जो है ना, जो भी जो डेटा रहेगा, जो आप सिस्टम से डाउनलोड करे हुए रहेंगे या फिर रॉ डेटा आपको जो मिलेगा, तो आपको सिंपल सा एक रॉ डेटा लेना है कोई भी एक। जो डैशबोर्ड बनाने के लिए, क्वालिटी का डैशबोर्ड बनाने के लिए, मैं एक छोटा सा रॉ डेटा लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, रॉ डेटा ले लिया मैंने। उसके बाद मैं नई शीट ओपन कर देता हूँ। आप नई शीट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाने पर आपको नई शीट ओपन हो जाएगा। मुझे रॉ डेटा फर्स्ट अपडेट करना है। रॉ डेटा मैंने पेस्ट कर दिया, वहां से कॉपी कर रैप टेक्स्ट में जाऊंगा मैं। ओके, सेंटर में सबको ले लिया। ठीक है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया मेरा रॉ डेटा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रॉ डेटा। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो भी एसोसिएट्स है उनके डे वाइज जो है ना, मुझे ये चाहिए। ओके, डे वाइज जो है ना, मुझे स्कोर चाहिए। टीम वाइज जो भी उसका टीम लीडर है, टीम लीडर वाइज मुझे स्कोर चाहिए। ओके, एंड रॉ डेटा चाहिए। ओके, और जो है ना, मुझे हाइपरलिंक ऐड करके जो है ना, ऐसे मुझे फॉर्मेट बनाना है जहां पे मेरा मैनेजर सिर्फ यहाँ पे डे वाइज देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे रिपोर्ट दिखाई दे। ओके, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से आपको ऑल सेलेक्ट करना है, आपको इंसर्ट में जाना रहेगा। इंसर्ट में आपको पायो टेबल का ऑप्शन है, पायो टेबल को आपको लेना है। ओके, रेंज सेलेक्ट हो रहा है। ओके, न्यू वर्कशीट में ही मुझे जो है ना, पायो टेबल चाहिए, तो मैं सिंपल सा ओके कर देता हूँ। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट डे वाइज फर्स्ट जो है ना, एम्प्लॉय का क्वालिटी स्कोर चाहिए। तो उससे पहले मैं ले लेता हूँ फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम, जो CCO। ओके, उसका नेम ले लिया मैंने एजेंट का। उसके बाद उसका
सेम जो है ना मैं एम्प्लॉयड यहां पे लेता हूं वैल्यू के लिए, ओके रॉ में मैंने डाल दिया, रॉ में मैंने डाल दिया सीसीए का, सीसीओ का नेम, ओके उसका नाम मैंने क्यों अपडेट किया है, क्यों बोले तो मुझे रो में जो है ना ये रो में स्कोर चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके एम्प्लॉयड ही लूंगा, क्यों बोलते वैल्यू में, क्यों बोलते उसके कितने ऑडिट हुए मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू भी चाहिए कि कितने ऑडिट हुए हैं ये बंदे के, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगा उसका स्कोर, तो स्कोर यहाँ पे नीचे रहेगा कि मतलब लास्ट में स्कोर आता है, तो मुझे फाइनल स्कोर चाहिए, तो फाइनल स्कोर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्यूरेट स्कोर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्कोर है उसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं एक बार, तो यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन दिखा रहा है, वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे क्या चाहिए, एवरेज में चाहिए स्कोर्स, राइट। तो एवरेज सेलेक्ट कर लेता हूं, एवरेज में मैं ओके कर देता हूं, तो आप देख सकते हो स्कोर आ चुका है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद सिंपल सा मैं होम के अंदर परसेंटेज का यहां पे दिखा रहा है सिंबल, मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सक रहे हो परसेंटेज में आ चुका है, ठीक है। ये एजेंट के इतने कॉल्स ऑडिट हुए हैं और उसका परसेंटेज इतना है, ओके। अभी आपको जो है ना इसके साथ अगर कुछ ऐड करना है, जैसे कि आपको टीम लीडर ऐड करना है या फिर आपको कुछ भी अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर आपको फेटल का काउंट, मतलब कितने फेटल गिरे थे उन्हें, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे फेटल का काउंट ले लेता हूँ, यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ, तो आप देख रहे हो फेटल का काउंट भी आ चुका। अब इसको थोड़ा ना ये करते हैं, सेलेक्ट कर लिया मैंने, बॉर्डर लगा लूंगा, थोड़ा डिजाइन करते हैं, सेंटर में ले लूंगा, ओके। यहाँ पे मैं काउंट ऑफ सीसीओ एम्प्लॉयडी निकाल कर जो है ना रिमूव करके सिर्फ कॉल काउंट डालूंगा मैं, सॉरी ऑडिट काउंट डाल दूंगा, ऑडिट ऑडिट्स काउंट देख सकते हो। इसके बाद मैं फेटल काउंट डालूंगा, फेटल काउंट डाल दिया। उसके बाद सीक्यू स्कोर, मतलब यहाँ पे जो है ना एवरेज ऑफ सीक्यू स्कोर है ना, तो मैं इसको एवरेज ऑफ निकाल दूंगा, स्कोर विथ फेटल, तो मैं सिर्फ स्कोर लिखूंगा इसे, स्कोर्स या फिर कॉल क्वालिटी स्कोर्स कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके मुझे क्या चाहिए, ऑटोफिट चाहिए, ठीक है, ऑटोफिट में मैं कर दूंगा, ओके यहां से ऑटोफिट करूंगा साइज एडजस्ट के लिए, ओके। तो यहां पे देख रहे हो साइज एडजस्ट हो चुका है, तो ये क्या है हमारा एजेंट वाइज स्कोर है, एजेंट वाइज स्कोर, सीक्यू स्कोर, एजेंट वाइज हमने बना लिया। इसको आपको कलर करना है तो सेलेक्ट कर दीजिए, कंडीशन फॉर्मूला में जाइए, कलर स्केल में जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो अब जो है ना ये वैल्यू के हिसाब से जो है ना कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने बना लिया एजेंट वाइज स्कोर, अभी हमें क्या चाहिए, डे वाइज स्कोर चाहिए और टीम लीडर वाइज स्कोर चाहिए, उसके बाद हम हाइपरलिंक डाल देंगे। तो फिर से रॉ डेटा में जाऊंगा, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, ओके ऑल सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाइए, उसके बाद पिवोट टेबल पे जाइए, ओके कर लीजिए सिंपल सा। अभी आपको क्या चाहिए, डेट वाइज आपको स्कोर चाहिए, तो जो है ना आपको टाइम स्टैम्प बोल के जो है वो उसमें मेरा डेट है, तो मैं डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सक रहे हो यहाँ पे टाइम वाइज आ रहा है, मुझे टाइम वाइज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे डेट वाइज चाहिए, तो मैं रॉ डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे मैं करेक्ट कर लूंगा पहले, ओके पहले मैं यहाँ पे डेट को करेक्ट कर लूंगा, पूरा सेलेक्ट कर लूंगा मैं, सिर्फ मुझे डेट ही चाहिए, मैं इसको नॉर्मल से जो है ना रिमूव करूंगा, एक एक को रिमूव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, फिर नॉर्मली जो है ना 16 मैनुअल भी आप कर सकते हो, क्यों बोलते मेरा डेटा छोटा है इसलिए मैं जो ना मैनुअली कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा जो है ना अपना डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ,
अच्छा जो है ना मैंने डेट प्रॉपरली लगा दिया कि मतलब आगे जो है ना अवर्स मिनट्स भी आ रहे थे। ठीक है, मैं सिंपल से जो है ना इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो अवर्स मिनट्स जो थे वो चले गए हैं। तो डे वाइज मुझे स्कोर चाहिए था, मैंने डेट ले लिया फर्स्ट, उसके बाद मुझे स्कोर्स चाहिए और फेटल काउंट चाहिए। तो मैं फेटल काउंट भी यहाँ पे ले लेता हूँ, फेटल काउंट आ गया और यहाँ पे फाइनल स्कोर भी मैं ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है ना अभी भी जो है ना प्रॉपर एवरेज में नहीं आया है, तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, वैल्यू फील्ड एवरेज, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर आ चुका है, इसको सिंपल सा मुझे परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है तो आ चुका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ स्कोर ही, इसको हटा दूंगा। ओके, उसके बाद फेटल काउंट हटा दूंगा मैं नॉर्मली जो भी एडिशनल है। उसके बाद यहाँ पे मुझे डेट चाहिए तो मैं डेट लिख लूंगा यहाँ पे डेट। ठीक है, तो मैं प्रॉपर साइड सेंटर में ले लूंगा, इसको बॉर्डर लगा दूंगा और इसको ऑटो फिट भी कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर आप कलरिंग करना चाह रहे हो, कंडीशन लगाना चाह रहे हो फॉर्मेटिंग, तो आप यहाँ पे जाइए कलर स्केल में जाइए, नॉर्मली सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी हाई वैल्यू रहेगा वो ग्रीन में रहेगा, जो भी लो रहेगा स्कोर वो रेड में हो जाएगा। ठीक है, तो आप डे वाइज भी स्कोर इजी से बना चुके हैं, जैसे कि 14 तारीख को आपका फेटल काउंट इतना था, आपका स्कोर इतना था, 16 को इतना फेटल का काउंट जीरो था, स्कोर इतना था, 18 को फेटल का काउंट एक था, स्कोर इतना था। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डे वाइज सीक्यू स्कोर्स। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए अभी टीम वाइज, लास्ट वन है हमारा टीम लीडर वाइज स्कोर चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पायो टेबल का नहीं जाता हूँ, उसके बाद सिंपल से ओके कर देता हूँ। मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, टीम लीडर वाइज चाहिए, तो मैं टीम लीडर को यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, सेम टीम लीडर को जो है ना मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, क्यों तो मुझे काउंट चाहिए, तो मैं ये टीम लीडर का इतना काउंट था, ये टीम लीडर का इतना काउंट था। ओके, ये एनए आ चुका है, क्यों तो इसका टीम लीडर नहीं था, थोड़े बंदे ऐसे थे जिनका टीम लीडर अभी असाइन नहीं हुआ था, टू बी डिसाइडेड था, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ कि किसके टीम में जाना है, तो इसलिए ये एनए आ चुका है। ओके, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एनए नहीं चाहिए मुझे, या क्यों मतलब अभी टीम लीडर नहीं था, तो नो टीम लीडर बोल के आपको लिखना है, तो फिर से रॉ डेटा में जाइए, आप जो है टीम लीडर को फिल्टर कीजिए यहाँ से। ओके, आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर कीजिए, फिल्टर कर कर जो भी एनए है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एनए है, एनए को नो टीम लीडर बोल के आप भी आप डाल सकते हो, या फिर नो टीम लीडर। ठीक है, डन, सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, सेम जो है ना आपको वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ आपको रिफ्रेश करना है। ओके, नो टीम लीडर। ओके, तो आपको जो है ना अश्विन टीम जो टीम लीडर थे उनके टीम वालों का कितने ऑडिट हुए हैं, 8, अश्विनी और ये अश्विनी दो बंदे थे जो अश्विनी अश्विन थे उनके 1, पूजा का कितना हुआ था 44, टेस्ट का जो भी था 4, नो टीम लीडर जिसमें जिसके टीम लीडर नहीं थे उनके 13 कॉल ऑडिट हुए थे। अब मुझे इसका स्कोर भी चाहिए, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे जाऊंगा लास्ट में जो सी क्यू स्कोर है उसको मैं नीचे ले लूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपको फॉर्मेटिंग करेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड में जाना है, एवरेज में चाहिए मुझे, एवरेज में जाना है, ओके कर देना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, परसेंटेज का यहाँ पे दिख रहा है, परसेंटेज में जाऊंगा, इसको सिर्फ सी क्यू स्कोर डाल दूंगा मैं, या फिर स्कोर्स डाल दूंगा। ओके, इसको कॉल काउंट बोल के लिख लूंगा, कॉल काउंट ऑडिट काउंट, सॉरी ऑडिट। ठीक है, इसको फिर से जो है ना मैं बॉर्डर लगा दूंगा, इसको भी सेंटर में ले लूंगा, ऑटो फिट कर दूंगा जो इसमें फिट रहे, सेम इसको जो है ना मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा जैसे हमने प्रीवियस केस में किए थे। ठीक है, डन, अभी हमें क्या क्या बन चुका है, हमें डे वाइज स्कोर मिल चुका है, एजेंट वाइज स्कोर है, और जो है ना हमें टीम लीडर वाइज स्कोर भी मिल चुका है, इसको टीम लीडर लिख सकता हूँ। ओके,
मुझे जो ना प्रॉपर फॉर्मेट बैठना है, फर्स्ट डे वाइज चाहिए, बाद में एसएमई वाइज चाहिए, बाद में टीम एजेंट वाइज चाहिए, उसके बाद टीम लीडर वाइज। लीडर वाइज सीक्यू स्कोर्स, ठीक है। आप कुछ भी नाम जो ना यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो आपके अनुसार। ओके, मुझे क्या चाहिए, एक और यहाँ पे एडिशनल पेज चाहिए जहां पे मुझे हाइपरलिंक ऐड करना है, ताकि जो है ना यहाँ पे क्लिक करने पर डायरेक्ट वो शीट ओपन हो जाए। मेन शीट लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ओके, हाइपरलिंक चाहिए। जैसे मेरे मैंने एक डैशबोर्ड में बताया था, ऐसे जो है ना हाइपरलिंक मुझे चाहिए। ओके, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले इसको लकीरों को हटाने के लिए कंट्रोल ए कर दूंगा। व्यू का ऑप्शन है, वहां पे मैं ओके ग्रेड लाइंस को निकाल दूंगा, ताकि यहाँ पे लाइंस ना दिखे। और मुझे जो है ना बैकग्राउंड का अगर कुछ सेलेक्ट करना है कलर, तो होम में जाऊंगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कलर का। आपको कोई भी बैकग्राउंड कलर रखना है शीट का तो आप रख सकते हो, आप येलो ग्रीन कुछ भी रख सकते हो आपके मर्जी का। तो मैं ये पूरा लाइट ग्रीन का रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग देना है, ओके, तो आपको हेडिंग देना है, तो आपको जो सिंपल सा कौन सा भी एक जो है ना शेप ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से ये शेप ले लेता हूँ, ओके, शेप मैंने ले लिया, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे हेडिंग देता हूँ कि क्वालिटी डैशबोर्ड। क्वालिटी डैशबोर्ड, साइज आप इंक्रीज डिक्रीज आपके हिसाब से कर सकते हो। 20 भी लिख लेता हूँ, देखेंगे कितना साइज आएगा। तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला सेलेक्ट करके 20, ओके फाइन है। तो इसको सेंटर में ले लेंगे हम। अगर आपको अंदर का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल सा जो है ना यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी अपना कलर, जो इसका कलर है, आप चेंज कर सकते हो। मुझे ब्लैक चाहिए, बोल्ड करना है, कंट्रोल बी करो, आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना आपका आ चुका है। यहाँ पे हमें और चाहिए, जैसे कि हमें डे वाइज स्कोर दिखाना है, एजेंट वाइज और टीम लीडर वाइज, उसके साथ रॉ डेटा भी हमें दिखाना है, ठीक है। तो मैं फिर से इंसर्ट में जाऊंगा, आपको कौन सा जो है ना आपको शेप आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। मैं तो नॉर्मली ये शेप यूज करता हूँ, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं रख दूंगा एक, मुझे जो है ना इतने चाहिए, एक दो, डे वाइज के लिए एक, एजेंट वाइज के लिए दो, टीम लीडर के लिए तीन, रॉ के लिए चार, टोटल चार चाहिए मुझे। तो मैं इसको ही जो है ना कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। दो तीन हो गए, चार, मुझे चार चाहिए था, मैं चार ले लिया। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपने साइज के अनुसार इनको। इसको एडजस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, नीचे वाले को मैं यहाँ पे ले लेता और इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, डन। यहाँ पे जो है ना मैं लिखता हूँ डे वाइज सीक्यू स्कोर्स, उसके बाद एजेंट वाइज सीक्यू स्कोर्स, आपके अनुसार आप जो भी हेडिंग दिए हैं नीचे आप वो लिख सकते हो। उसके बाद टीम लीडर वाइज सीक्यू स्कोर्स, के बाद रॉ डेटा डेटा। अगर आपको अंदर का कलर चेंज करना है, आप सेलेक्ट कीजिए, आपके हिसाब से आप कलर रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सेंटर में लेना है तो सेंटर में लीजिए, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मैं जो ना ब्लैक कलर ले रहा हूं। इसे भी मुझे सेंटर लेना है, राइट क्लिक करूंगा, ब्लैक कलर में सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, इसका साइज आप चाहिए तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। ओके,
जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है ये, तो इसको क्या करूंगा, टीम लीडर की जगह मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा TL, TL वाई CQ स्कोर, TL वाई CQ स्कोर। इसको सेंटर में ले लूंगा और इसको कलर कर दूंगा ब्लैक। आप अपने अनुसार जो है ना यहाँ पे कलर कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये बड़ा कर सकते हो साइज इसका, अगर नहीं तो आप ये साइज ही मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इसको, ये बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी साइज है मैं साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ इसका, ठीक है। साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इसका, ओके। अब अपने अनुसार साइज रख सकते हो, ठीक है। यहां तक तो हमारा सेट हो चुका है। अभी हमें क्या चाहिए कि आपको हाइपरलिंक लगाना है, जहां पे आप यहाँ पे क्लिक करते साथ ही जो है ना आपका डे वाइज का ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लिक करते हुए आपको जो है ना एजेंट वाइज का ओपन हो जाए। उससे पहला आपको जो है ना यहाँ पे ग्राफ ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डेटा को सेलेक्ट करना है, डे वाइज में इंसर्ट में जाना है, आपको जो है ना रिकमेंडेड या फिर आप नया ग्राफ आपके अनुसार आप ले सकते हो, मैं रिकमेंडेड का ले रहा हूँ उसके ऊपर। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, कौन सा भी जो है ना मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, आपको कौन सा पसंद है उसमें से चूज कीजिए, आपके डेटा अनुसार चूज करके जो है ना ऐड कर सकते हो। तो मैं चूज करूंगा यहाँ पे ये डेटा को, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ से चूज किया, तो इस पे डेटा ऐड करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड लेबल कीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड लेबल कीजिए, ओके। आपको अगर ट्रेंड भी ऐड करना है, ट्रेंड जैसे कि यहाँ पे ऐसा ट्रेंड आता है, तो राइट क्लिक कीजिए, ओके। आप चाहिए तो ट्रेंड भी ऐड कर सकते हो, तो मुझे उतनी जरूरत नहीं है, क्यों बोलते तो यहाँ पे मुझे डेटा क्लियरली दिखाई दे रहा है, ओके। ये जो ऑरेंज कलर है उसका मतलब है स्कोर्स, जो फेटल काउंट है उसका मतलब है उदा यानी ब्लू, ओके, स्काई ब्लू, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्कोर मेरा 14 तारीख को 94 था, 16 को 97 था, तो 14 को 94, 16 को 97, तो मेरा फेटल कहीं नहीं आया था, सिर्फ मुझे 18 को आया था, तो 18 को एक फेटल है, उसके अलावा बाकी का पूरा 0000 फेटल्स है, ठीक है। अगर चाहिए तो आप डेट वाइज भी जो ना यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से सिर्फ 14 तारीख का चाहिए तो आप 14 तारीख सेलेक्ट कीजिए, तो आप देख सकते हो 14 तारीख का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चाहिए तो ऐसा जो है ना आप चेक भी कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। अब इसको जो है ना हाइपरलिंक आप कैसे ऐड करना है बता दूंगा आपको। यहाँ पे क्लिक करते साथ ही जो है ना आपका डेटा ओपन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक में यहाँ पे आपको दिखाएगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है सिंपल सा। डे वाइज चाहिए आपको, इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो डे वाइज चाहिए बोले तो आपको जो है ना प्लेस इन करेक्ट डॉक्यूमेंट्स में डे के ऊपर हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके सिंपल से हमें ओके कर देना है, डे के ऊपर सेलेक्ट किया ओके कर दिया, तो अभी हाइपरलिंक ऐड हो चुका है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हाइपरलिंक ओपन हो जाए, सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। एजेंट वाइज, एजेंट वाइज आपको चाहिए यहाँ पे जो एजेंट वाइज हमारी एक और शीट है, तो आपको सिंपल सा जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक में जाना है, एजेंट वाइज पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है, ओके। एजेंट वाइज पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। टीम वाइज चाहिए तो सेम मुझे राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे जाना है, टीम लीडर वाइज ओके कर देना है। रॉ डेटा चाहिए तो रॉ डेटा पे राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक में जाना है, रॉ डेटा ओके। तो अभी जो है ना मेरा हाइपरलिंक और डैशबोर्ड बनकर रेडी है, आप सिंपल सा सेव करके जो है ना आपका डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया तो टीम वाइज आ चुका, रॉ डेटा चाहिए तो रॉ डेटा आ गया, ओके। या फिर आपको एजेंट वाइज चाहिए तो आप एजेंट वाइज भी ओपन कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है। तो सिंपल सा जो है ना आप डैशबोर्ड या फिर डेली रिपोर्ट इस तरीके से बना सकते हो।
ओके विदाउट एनी इश्यू। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि आपको एक और यहां पे ऐड करना है, कुछ भी हाइपरलिंक ऐड करना है, तो आपको सिंपल सा जो है ना इंसर्ट में जाके कोई भी एक शेप ले सकते हो। आपको ये ऐसा नहीं है कि ये आपको पर्टिकुलर शेप ही लेना है, आप कोई भी शेप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे राउंड शेप लेना चाह रहा हूँ, तो मैं राउंड शेप भी ले सकता हूँ। ओके ब्लैंक शीट मैंने नाम दे दिया इसको, कलर कर दिया ब्लैंक। तो मैं ब्लैंक शीट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ब्लैंक शीट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करने पर वो ब्लैंक शीट ओपन रहना चाहिए। अभी आप क्लिक करोगे तो नहीं होगा, क्यों मतलब आपने हाइपरलिंक ऐड नहीं किया। इसको सिंपल सा राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक शीट सेलेक्ट करना है, ओके खत्म, आपका काम खत्म हो चुका है। सिंपल सा आप क्लिक कीजिए, ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ना आप पीडीएफ फाइल भी में भी जो है ना हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी अगर एक्सेल सीखना चाह रहे हो तो मेरा बेसिक से एडवांस एक्सेल तक के वीडियोज़ है मेरे सेम चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पीएफ के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको एडवांस पीएफ कैसे विड्रॉ करना है, और जो है ना आपको केवाईसी कैसा करना है, आपके यूएनए को एक्टिवेट कैसा करना है, आपके यूएनए को ट्रांसफर कैसा करना है जो प्रीवियस एम्प्लॉय से ये एम्प्लॉय को, या फिर आपका लास्ट वर्किंग डे कैसा अपडेट करना है, मैं अपने चैनल पे अपडेट कर चुका हूँ, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हो। और फ्रेशर्स जो भी है जिनको इंटरव्यू के जो है ना क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वो भी जो है ना आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से आपको कुछ सीखने मिला होगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।